गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो आ जाओ, लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था भाई? हाँ, उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स करने दिए थे, आपने करके लाए। हाँ, कुछ डाउट आया? कुछ डाउट आया? चलो पूछो, आस्क मी योर डाउट्स। बुक दो बेटे, कम कम। क्या बोली बेटा, कौन सा क्वेश्चन? 4 पॉइंट। हाँ, 12 पॉइंट कहाँ है यहाँ पे? कौन सा बोल रही है? अच्छा, यहाँ ओपन करके दी है तुम मेरे को। 565, 12.14, 12.14। ठीक है, शुरू करें। आइए, उसके पहले किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 12.8 से लेकर के 12.8 में किसी को दिक्कत? 12.9, 12.11, 12.9, 12.10 पे नहीं है, 12.11। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 12.11 क्या कह रहा है बेटा ये, कि एक केबल इज रिप्लेस्ड बाय, एक आध लाइट चालू करोगे क्या? एक केबल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल बट ट्वाइस द डायमीटर, हाउ विल दिस अफेक्ट द एलोंगेशन अंडर अ गिवन लोड, हाउ डज दिस अफेक्ट द मैक्सिमम लोड इट कैन सपोर्ट विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो बोलते हैं एक केबल है, एक केबल है इज रिप्लेस्ड बाय अनदर केबल ऑफ सेम लेंथ, हमने इसके बदले क्या किया, दूसरी केबल ली, दोनों की लेंथ क्या है बेटा, सेम है, इसका एल लिया तो इसका भी एल लिया। ठीक है, वन ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो इसका मतलब वाई क्या होगा बेटा, सेम होगा, है कि नहीं, वाई क्या होगा, सेम होगा। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, बट ट्वाइस द डायमीटर, इसका डायमीटर अगर मैंने डी लिया तो इसका डायमीटर क्या है बेटा, ट्वाइस ऑफ डी है। ओके, हाउ विल दिस अफेक्ट द इलोंगेशन अंडर गिवन लोड, एक लोड गिवन है, ठीक है, तो सपोज वो लोड कितना है, W, ठीक है, इसमें भी क्या होगा तो W, तो इसमें जो इलोंगेशन होगा डेल एल है ना, और इसमें जो डेल एल होगा उसमें क्या रिलेशन होगा, इसको डेल एल डैश बोल देता हूँ, चलेगा, क्या इफेक्ट होगा। तो भाई ये तो बहुत आसान है ना, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, कि डेल एल इक्वल टू क्या होता है, एफ एल बाय ए वाई, है ना, जहाँ फॉर्मूला आए बेटा, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे, जितना आप अपने मुंह से बोलोगे उतना याद रहेगा आपको, तो ऐसे समय में कंजूसी मत किया करो। ठीक है, तो फोर्स देखो क्या, लोड, लोड दोनों ही केस में क्या है, सेम है, फोर्स कांस्टेंट हुआ, लेंथ भी दोनों का सेम है, एल कांस्टेंट हुआ, और मटेरियल भी दोनों सेम है तो वाई कांस्टेंट हुआ, तो डेल एल क्या हुआ बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्या होता है बेटा, पाई डी स्क्वायर बाई फोर, है 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो डेल एल क्या हुआ बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ एलोंगेशन जो है अंडर गिवन लोड सेम मटेरियल के लिए हमें क्या दिख रहा है, उसके डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इससे इसका डायमीटर क्या है बेटा, डबल है, तो बताओ इसका लेंथ क्या होगा, ये डबल होगा तो ये हाफ होगा, स्क्वायर क्या तुम घर लेके जाओगे स्क्वायर को, है ना, तो 1/4 हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो इसका जो ये होगा उसकी तुलना में 1/4 होगा, नहीं समझा, कितना आसान था ये। हाँ, हम प्रोपोर्शनलिटी की भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो गलत बात है। आगे क्या बोलता है इसमें, कहाँ गया, तो देखो क्या आया आपका, कहाँ है इसका आंसर। ठीक है, देखो इलोंगेशन बिकम्स 1/4, आगे बात आपको समझ में, आगे क्या बोलता है बेटा,
How does this affect the maximum load it can support without exceeding the elastic limit? ठीक है, कितना लोड ये सपोर्ट कर सकता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलास्टिक लिमिट पार नहीं होना चाहिए। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, कि हुक साहब ने क्या कहा, हुक ने कहा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक लिमिट तक, लिमिट तक ही ना, हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे उसमें स्ट्रेन होगा, उसका लेंथ चेंज होगा, लेकिन ये ऐसा आप एक लिमिट तक कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो फिर क्या होगा, एक समय आएगा वो टूट जाएगा, है ना बेटे, आ रही बात समझ में, तो एक लिमिट तक ही ऐसा होता है, उस लिमिट को क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, जहाँ तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है और स्ट्रेन स्ट्रेस हटाने पर वो वापस से अपने शेप में आ जाता है, उसको, उस लिमिट को क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। आगे बात समझ में, अच्छे से समझा, तो इलास्टिक लिमिट जो है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रेस का एक लिमिट है, हाँ भाई इतने तक स्ट्रेस लगाओगे तो ठीक है ना, आपकी आपकी जो बॉडी है उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बनी हुई है, वो वापस से अपने शेप में आ जाएगा, उससे फर्दर करेंगे इलास्टिक, उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो फिर वो क्या होगा, वापस से अपने शेप में नहीं आ पाएगा। आया क्या समझ में, ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट किस में होता है, स्ट्रेस में होता है, मतलब स्ट्रेस का जो अपर लिमिट है ना, जो कि वो उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जहाँ तक बनी रहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। आगे बात समझ में, तो बेटा वो क्या हो गया, एक मैक्सिमम स्ट्रेस टाइप का हो गया, डेल मैक्स, ठीक है। तो बेटा ये जो इलास्टिक लिमिट है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। आप चूंकि मटेरियल दोनों का सेम है, मटेरियल दोनों सेम है ना, तो इलास्टिक लिमिट दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, यानी दोनों में सेम ही स्ट्रेस आने चाहिए। नहीं समझा, अच्छे से समझा, अब बताओ स्ट्रेस होता क्या है, जल्दी बोलो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के रूप में हमने यहाँ क्या लगाया है, लोड, क्या लगाया बेटा, लोड लगाया, लोड अपॉन एरिया। आई बात समझ में, अच्छे से समझा, तो बेटे यहाँ देखो सिग्मा तो दोनों के लिए सेम है, यानी स्ट्रेस दोनों के लिए सेम ही है, तो बेटा लोड देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हुआ क्या, इधर चला जाएगा, ये कॉन्स्टेंट हुआ, नहीं समझा, तो लोड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका एरिया ज्यादा वो ज्यादा लोड उठाएगा, जिसका एरिया कम होगा वो कम लोड उठाएगा, किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, हाँ इसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा लोड उठाएगा वो कम लोड उठाएगा, होगा कि नहीं बताओ, ये कितना ज्यादा उठाएगा बेटा, इसका एरिया कितना ज्यादा है इससे, फोर टाइम्स है, पाई डी स्क्वायर है ना, फोर टाइम्स है, तो ये इससे, ये इससे फोर टाइम्स ज्यादा लोड उठा सकता है, नहीं समझा, अगर ये W उठा सकता है तो ये 4W उठा सकता है, अरे ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है, एक पतली वायर की तुलना में एक मोटी वायर ज्यादा वजन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, समझा, कोई चीज नहीं समझ में आई तो बोलो, कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो बोलो, आगे बढ़ूं, आया समझ में पक्के से, तो इसमें कुछ नहीं, बस वो पर्सनैलिटी चेक करना था सारे में, है ना बच्चे, ओके अंडरस्टूड, आगे बढ़ जाऊं, चलो नोट करना हो नोट करो, 12.11 के बाद 12.12 में किसी को दिक्कत, 12.13 में, 12.14 में, 14 करते हैं, नोट हो गया ये, नोटेड, मिटा डालूं, आगे बढ़ जाता हूं, 12.14, ठीक है, क्या कहता है ये देखो, कि ए ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज फास्टेंड टू, अब भाई वेट उसका 10 न्यूटन है, मतलब मास कितना हुआ बेटे,
1 kg, तो एक 1 kg ब्लॉक को ऐसा हमने बांधा है, 1 kg. Fasten to one end of the wire of cross sectional area 4 mm square. ये जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बेटे? 4 mm square. एंड इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 30 cm. इस तरीके से ऐसा रोटेट कर रहे हैं. अंडरस्टूड? क्लियर है? तो इसकी लंबाई कितनी है? 30 cm इस स्ट्रिंग की. The speed of the block at the bottom of the circle is 3 m/s. यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 m/s. Find the elongation of the wire. तो वायर का elongation यानी del L चाहिए. और क्या दिया है बेटा? Y दिया हुआ है. Y कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻¹¹. 2 × 10⁻¹¹. आया बात समझ में? अब बच्चे सोचो, आपको वर्टिकल सर्कुलर लूप याद है? किसको याद है बताओ? वर्टिकल सर्कुलर लूप याद है? ओके. अब जब ये लोएस्ट पॉइंट पर होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या क्या लगेगा बेटा? एक वेट लगेगा नीचे इसका, एम जी. और कुछ लगेगा? ये क्या कर रहा है बेटा? इस तरीके से घूम रहा है ना, इसके अबाउट है ना. और क्या लगेगा सोचो? सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल हम इस पे बैठ के देखेंगे तो ये हमें रेस्ट में नजर आएगा. रेस्ट में नजर आने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए? नहीं समझ रहे हो? सेंट्रीफ्यूगल कब लगाने बोला था मैंने? जब आप इस पे बैठ जाओगे तो ये तो घूम रहा है ना, तो आपका प्लेटफॉर्म क्या हो रहा है? घूम रहा है. और घूमना यानी सर्कुलर मोशन करना एक्सेलरेटेड मोशन है कि नॉन एक्सेलरेटेड? सर्कुलर इज एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड? हाँ, एक्सेलरेटेड कि नॉन एक्सेलरेटेड? अरे जोर से बोलो, नॉन एक्सेलरेटेड. अच्छा, वेरी गुड, शाबाश. सर्कुलर मोशन नॉन एक्सेलरेटेड, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता. हाँ, एक्सेलरेटेड होता है. कैसे? अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का नाम नहीं सुने क्या तुम लोग? क्या ही तुम लोग दिमाग का दही करते हो एकदम से, हट. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है ना भाई? कोई भी चीज बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के सर्कुलर मोशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना. तो उसके पास सर्कुलर मोशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है. और जिस किसी के भी पास एक्सेलेरेशन हुआ वो क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है. जहां नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वहां स्यूडो फोर्स लगता है. क्या लगता है? स्यूडो फोर्स लगता है. स्यूडो फोर्स किधर लगता है? हमेशा फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट में. तो फ्रेम में क्या था? अंदर की ओर था, इस पे बाहर की ओर. ठीक है, तो इस पर क्या लग जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर स्यूडो फोर्स के रूप में लग जाएगा. और ऊपर क्या लगेगा बेटा? टेंशन. ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये टेंशन इन दोनों को क्या करेगा? बैलेंस करेगा. तो टेंशन बराबर क्या हो गया? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, तो एम कितना था? 1 था. जी कितना था? 10 था. एम कितना था? 1 था. वी कितना था? 3 था. आर कितना था? 30 cm यानी 0.3. तो क्या हो गया बेटा? 10 + 9 0.3 90 30 40. तो टेंशन कितना है बेटे? 40 N है. नहीं ना समझा तुमने? ठीक है, टेंशन आया 40 N. भाई साहब, ये जो आपका स्ट्रिंग था, रॉड था, उस पर क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है 40 N का. ठीक है, तो ये क्या करेगा? स्ट्रेस पैदा करेगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो डेल एल बराबर क्या होता था? एफ एल बाय y a. f कितना हो गया? ये फोर्स का काम करेगा, 40. लेंथ कितना है? 30 यानी 0.3. y कितना है? 2 × 10⁻¹¹. एरिया कितना आया? 4 mm² मिलीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाता है? 10⁻-6 5 है ना, क्या हो गया? 5 हो गया. और
ये और ये कैंसिल हो गया, फोर और फोर कैंसिल हो गया, तो 3/2 × 10^-5, 1.5 × 10^-5, क्या चीज़? मीटर। आगे बात समझ में? तो इतना हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको मैं 15 × 10^-6 लिखूं। हाँ बोलो क्या? क्यों? ये क्या बोल रहे हैं? टेन का पावर 5 बचा। क्या बोल रहे हैं? ये पॉइंट और ये जीरो हटाना, तो ये ऊपर गया ना, 10^-5 हुआ। समझ गया क्या? मुझे लगा अपने यहाँ से पावर यहाँ पे मिली 10^5। ये पॉइंट यहाँ जीरो से कटा। हाँ हाँ, सब जाके। ये फोर कट गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, 10^5 जो बचा था ऊपर जाके -5 हुआ, तो कितना आ गया? देखो बेटा, 15 × 10^-6 मीटर। 10^-6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो देखो क्या आया, 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितना लेंथ में चेंज आया? 15 माइक्रोमीटर। ठीक है। अच्छा, इसने 400 क्या चीज ले लिया? टेंशन 400 आया। हाँ, तो गलत है ना, उसने गलती की, हमारी क्या गलती है इसमें? अंडरस्टूड? सो द आंसर इज 15 माइक्रोमीटर। ओके, नोटेड। डन? कोई डाउट नहीं है? हाँ, चेक पॉइंट में है, एक्सरसाइज में। एक सेकेंड, यहां तक हुआ? आवाज हुआ? क्वेश्चन नंबर 12.14 हो गया बेटा। 12.15 में किसी को दिक्कत? 12.16 किसमें? 16। क्वेश्चन नंबर 12.16। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.16 शुरू करें। मिटा दूं इसको? क्वेश्चन नंबर 12.16। क्या कहता है कि ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग हॉरिजॉन्टली बाय मींस ऑफ 2 वर्टिकल वायर्स। ऐसे एक रॉड को इस तरीके से क्या करा गया? लटका दिया गया। तो एक रॉड है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, ठीक है, उसको लटकाया गया
इस तरीके से, किससे? छत से, सीलिंग से। आ रही बात समझ में? बाय मीन्स ऑफ टू वर्टिकल वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। वन ऑफ द वायर्स इज मेड ऑफ स्टील, एक स्टील का है, एंड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका? स्टील वाले का कितना है? 10^-3 मीटर स्क्वायर। एंड द अदर इज ऑफ ब्रास, दूसरा वाला क्या है? ब्रास है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ ब्रास 2×10^-3, ठीक है, मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द पोजिशन अलोंग द रॉड एट विच अ वेट मे बी हैंग टू प्रोड्यूस, बोलता है यहां पर कहां पर एक वेट लटकाऊं, क्या करूं? वेट लटकाऊं, ताकि पहला पार्ट बोलता है इक्वल स्ट्रेस इन बोथ वायर, पहले में क्या हो? स्ट्रेस इक्वल हो, यानी स्ट्रेस इन स्टील और स्ट्रेस इन ब्रास क्या आ जाए? बराबर आ जाए, ठीक है। और दूसरे केस में क्या कहता है? इक्वल स्ट्रेन, है ना, यानी डेल एल बाय एल जो है वो स्टील का और ब्रास का क्या है? बराबर आए। आगे बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? बोलो, समझ आ रहा है आपको? तो अब इस पे अपने को काम करना है। एक चीज बताओ, मैं इसको ऐसा बोलूं क्या, इसको ए बोलूं तो ये क्या हो गया बेटा? 2a हो गया, है ना, ये 2a हो गया। पहले पार्ट में क्या करना है, दोनों का स्ट्रेस बराबर रखना है। कैसे करें? फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चे आपको क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, है ना, क्या करना है? हॉरिजॉन्टल रखना है। तो ये हॉरिजॉन्टल कैसे रह सकता है? जब फोर्स भी बैलेंस हो और टॉर्क भी बैलेंस हो, है ना, फोर्स बैलेंस होना चाहिए, टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, ये स्टेबल रहेगा। तो मान लिया भाई कि यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना है? x है, तो इधर क्या हो जाएगा? 2-x हो जाएगा। आ रही बात समझ में? 2-x हो जाएगा। बोलो, अच्छे समझा यहां तक? इसमें कुछ टेंशन आएगा, टेंशन इन स्टील बोल देता हूं, इसमें कुछ टेंशन आएगा, टेंशन इन ब्रास बोल देता हूं। बोलो भाई, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूं, इसका टॉर्क कितना, इसके कारण यहां पे टॉर्क कितना, समझते हो ना, ये एक्सिस पे कोइंसाइड कर गया, आर ही नहीं बचा, तो इसके कारण कुछ भी टॉर्क नहीं आएगा। इसके कारण कितना क्या होता है टॉर्क? बोलो क्या होता है टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क? आपसे तुम भी पूछेगी ना, तो मैं ऐसा बोलूंगा ना, यहां से ऐसे बोलूंगा, ठीक है, ऐसा बोलो कि सुनाई दे, जल्दी बोलो। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क इज एंगुलर मोमेंटम, शाबाश आस्था, टॉर्क शाबाश मुजम्मिल, टॉर्क हवाज, टॉर्क, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, बेसिक चीजें हैं लोग जो है स्किल वाले स्किल है,
के बीच में यहाँ पर कितना है एंगल 90 है, तो सीधा क्या हो जाएगा आर इंटू एफ। तो बताओ अब कुछ करने पड़ा क्या हो जाएगा इसका टॉर्क टी एस इंटू एक्स, इसकी वजह से हो जाएगा टी एस इंटू एक्स। ये किधर घुमाएगा इस तरह, और ये क्या करेगा टी बी इंटू, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 माइनस एक्स, ये किधर घुमाएगा इधर। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इक्वल अपोजिट ऑलरेडी है, इक्वल हो जाएगा तो कैंसिल कर लेगा, वो हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल बना रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया देखो हमारे पास टी एस बाई टी बी इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया बेटा एक इक्वेशन आया हमारे पास, है ना। टॉर्क बैलेंस हो गया, और क्या बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। याद करो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होता है बॉडी, जब उसका फोर्स भी इक्विलिब्रियम में हो और टॉर्क भी इक्विलिब्रियम में हो, है ना। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स शुड बी जीरो, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क शुड बी जीरो, ठीक है। आ रही बात समझ में, तब ना तो बॉडी ऊपर नीचे जाएगा ना तो घूमेगा, ठीक है। हमको ना घुमाना है ना ऊपर नीचे करना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, तो हर प्रकार का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, फोर्स भी बैलेंस होना चाहिए। तो देखो टॉर्क तो हमने बैलेंस कर लिया, फोर्स बैलेंस करें, ऊपर क्या क्या लग रहा है टी एस और टी एल, और नीचे क्या कर लग रहा है डब्ल्यू, लग रहा है कि नहीं। तो अगला क्या हो गया बेटा, सेकेंड चीज हो गया कि टी एस प्लस टी बी इक्वल्स टू क्या डब्ल्यू, है ना। टी एस प्लस टी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये सेकेंड इक्वेशन आया, ठीक है। अच्छा इस कंडीशन में हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि दोनों का स्ट्रेस क्या होना चाहिए बराबर, ठीक है। अब बताओ बेटे स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। उस वाले में फोर्स कितना है टी एस और एरिया कितना है ए, शुड बी इक्वल टू। इस वाले में फोर्स कितना है टी बी और एरिया कितना है टू ए, नहीं है ये कैंसिल हो गया। टी एस बाय टी बी इक्वल टू क्या आया देखो 1/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 क्या दिख रहा है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, है ना। दोनों का LHS क्या हो गया बराबर, RHS बराबर कर लूँ, 2 माइनस एक्स बाई टू बराबर 1/2 कर लूँ, 2 और 2 कट कर लूँ, है ना बेटे। x बराबर क्या हो गया 1, है x है क्या, सॉरी, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 माइनस 2x बराबर x, तो 4 बराबर 3x, तो x बराबर क्या आया बेटा 4/3। तो कहाँ पर वेट को हैंग करना चाहिए जिससे कि स्ट्रेस बराबर हो जाए, तो उस एंड से 4/3 meter, समझा क्या नहीं, स्टील वाले से एंड से 4/3 meter, इस एंड से पूछेगा तो 2 से माइनस कर लेंगे, नहीं समझा, यहाँ तक नोट करो फिर सेकेंड पार्ट करते हैं। चलो अरे छोटी छोटी चीज़ें तो याद रखा करो, हैं तुम लोग इतनी बड़े बड़े पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हो, इतने बड़े बड़े बायो के डायग्राम याद कर लेते हो, यार इतना तेज दिमाग है तुम लोगों का, तो फिजिक्स कैसे नहीं होगा, फिजिक्स तो सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। क्या मजाक चल रहा है सर, है फिजिक्स आसान नहीं है, बायो से आसान है कि नहीं तुम बताओ, बायो से आसान है कि नहीं, नहीं है, क्या बात कर रहे हो, सच्ची में कितना आड़ा टेढ़ा नाम होता है, कितने आड़े टेढ़े डायग्राम होते हैं, वो सब याद कर लेते हो तुम लोग, लेकिन दो फॉर्मूले नहीं याद होते एक चैप्टर में, तुम ही बताओ कितने फॉर्मूले होते होंगे, मुश्किल से 5-10 फॉर्मूले निकलते होंगे मेरे पूरे चैप्टर से, वो भी नहीं याद करते तुम लोग, यार गलत बात है। सबसे इजी सब्जेक्ट है फिजिक्स, है ना। हे भगवान, आगे बढ़ूं, सेकंड पार्ट क्या कहता है, स्ट्रेन बराबर चाहिए, क्या चाहिए स्ट्रेन बराबर चाहिए। चलो ठीक है स्ट्रेन बराबर करते हैं, इस बार
स्ट्रेन बराबर करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, एल एल बाय एल, है ना। हमने क्या पढ़ रखा है, सिंस y बराबर है ना f by e अपॉन डेल एल बाय एल, यही होता था। तो देखो डेल एल बाय एल बराबर क्या हुआ, f by e y हुआ ना बेटे। तो डेल एल बाय एल स्टील का बराबर क्या होगा, t स्टील का एरिया स्टील का, और y तो सेमी है, नहीं y सेमी कैसे होगा, y स्टील का, नहीं समझा, ओके। और डेल एल बाय एल ब्रास का क्या होगा, टी ब्रास का एरिया ऑफ ब्रास का और वाई ब्रास का, ये दोनों क्या करने बोल रहे हैं, बराबर करने बोल रहे हैं, कर दूं बराबर कुछ तो मिलेगा अपने को। तो टी एस बाय ए एस वाई एस इक्वल्स टू टी बी बाय ए बी वाई बी, है ना बेटे। तो टी एस बाय टी बी is equal to AS YS by AB YB, है ना। A steel हमने क्या लिया है बेटा, A A brass क्या लिया है हमने, 2A Y steel Y brass, A A cancel हो गया बेटे। तो T steel by T brass is equals to Y steel by 2Y brass, दिया है क्या Y steel दिया है, C A 2 into 10 raise to 11 और ये only 10 raise to 11 इसमें करेक्ट ना, समझा। तो ये और ये क्या हो गया, संपला हो गया, 2 और 2 क्या हो गया 1 हो गया। तो TS by TB बराबर क्या आ गया बेटा, इस बार 1 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 दिस टाइम, और दिस टाइम वहां से लेके वहां तक का स्टेप सेम रहेगा, और ये फिर ऐसा। तो बेटे अगेन 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, वहां भी TS by TB आया है, यहां भी TS by TB आया है, क्या आया, तो 2 minus x by x बराबर 1, तो 2 minus x बराबर x, 2x बराबर 2, x बराबर 1 मीटर, सी आंसर क्या है, करेक्ट, आया समझ में, क्लियर है मेरी बात, आओ आओ बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग, प्रॉब्लम आ गया था, क्या हो गया था, किसको प्रॉब्लम आ गया था? अच्छा अंडरस्टूड ना, आगे बढ़ जाऊं, कहां तक पहुंचे, 12.14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 में किसी को दिक्कत, 12.17 किसी को बताना है, 12.17 बताना है, हर्ष, चलो तो क्वेश्चन नंबर 12.17 शुरू करें। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12.17 पर, एग्जांपल 12.17 क्या कह रहा है कि ए स्टील रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टू ब्रास रॉड्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर टुगेदर सपोर्ट अ लोड ऑफ 5000 केजी। एक ये है ब्लॉक है जिसका वजन है 5000 केजी, उसको सपोर्ट करने के लिए हमने जो है
इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए। ये दोनों ब्रास है, कितना है हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर, इसका भी 20 सेंटीमीटर, और इस वाले का स्टील है और ये है 30 सेंटीमीटर का। कुछ दिक्कत है बेटे? फाइंड द स्ट्रेस इन द रॉड्स, ठीक है। तो इसमें मान लो बोला सिग्मा ब्रास, सॉरी है ना, इसके स्ट्रेस को सिग्मा ब्रास बोल, इसमें भी सिग्मा ब्रास और इसमें क्या आएगा, सिग्मा स्टील आएगा, ठीक है। फाइंड द स्ट्रेस, टेक यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इतना एंड फॉर ब्रास इतना, ठीक है। तो ब्रास का देखो 1 into इतना है और स्टील का 2 into इतना है, तो मैं डायरेक्ट करूं इसको y लूं तो इसको 2y लूं, नहीं समझा, चलेगा ना, एक को y लिया दूसरे को ट्वाइस ऑफ y लिया। चलो तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्ट्रेस इन द रॉड्स, स्ट्रेस निकालना है। ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि अगर मुझे इसको सपोर्ट करना है, सोचो मतलब कॉमनली अगर हम सोचें, अगर हमें इस चीज को ऐसा रखना है तो क्या हो, ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर वजन आएगा, इसके ऊपर वजन आएगा, इसके ऊपर वजन आएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर कोई ज्यादा और कोई कम छोटा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है, नहीं। सोचो इसको अगर स्टेबल रखना है तो घटेगा तो जरूर, क्योंकि वजन आ रहा है, कंप्रेशन होगा, लेकिन अगर अलग अलग कंप्रेशन होगा, अलग अलग चेंज इन लेंथ होगा, तो फिर गिर जाएगा, हमें गिरने नहीं देना है। उसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि ये जितना कम हो ये भी उतना ही कम हो और ये भी उतना ही कम हो, तभी जाकर के क्या होगा, वो बैलेंस रह पाएगा। मतलब चेंज इन लेंथ जो हो तीनों ही रॉड में वो इक्वल होना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, समझ में आया आपको, तीनों में इक्वल चेंज इन लेंथ होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो भाई साहब ये तो हमें फंडामेंटली ये चीज समझ में आया, हमने क्या पढ़ रखा है कि y बराबर क्या होता है, f by a, मतलब f l by a del l होता है कि नहीं, f l by a del l, हमें क्या सेम रखना है, del l सेम रखना है, del l सेम रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा f l by a y, है ना, del l बराबर होना चाहिए f l by a y, ठीक है। L by A Y, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको। अब अगर मैं ये बोलूं कि F बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे F बराबर डेल L A Y अपॉन L होगा, बोलोगे। तो इस ब्रास पे जितना फोर्स आएगा, फोर्स ऑन ब्रास, अब मैं पहले ही बोल चुका हूँ डेल L सब में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो F ऑन ब्रास शुड बी डेल L, है ना। और एरिया देखो, अब चूंकि दोनों ब्रास ही है, है ना, तो दोनों में दोनों सेम लोड लेगा, तो इसका ए और इसका ए बराबर, मतलब ऐड कर दूं मैं, नहीं समझा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका गिवन है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन, हाँ, टू ब्रास रॉड्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर
ब्रास का कितना है बेटा? ए ब्रास जो है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया स्टील दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना 16। तो इसका क्या करूं बेटा, 2 ये लिख लेता हूं एक साथ ही, और ये y किसका हो जाएगा, ब्रास का, अपॉन लेंथ किसका हो जाएगा, ब्रास का। तो इतना फोर्स वेट जो है कौन उठाएगा, ब्रास उठाएगा मिलकर के, है ना। कितना हो जाएगा देखो, तो डेल एल इंटू 2YB अपॉन LB इंटू इसका एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, F ऑन ये, तो डेल एल तो सेम रहेगा, ठीक है, इंटू 2 वाई, ब्रास कितना है, वाई है नहीं, वाई ब्रास और एल ब्रास, ठीक, 2 वाई ब्रास अपॉन एल ब्रास कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 2 और 2 भी कट जाएगा, नहीं, डेल एल इंटू वाई ब्रास सेंटीमीटर का क्या लिख सकता हूँ, 10^-2। सही करा मैंने, बोलो भाई कुछ छोटा तो नहीं मुझसे, अरे बोलो। तो ये एफ ऑन ब्रास आया। सिमिलरली स्टील पे कितना आएगा फोर्स ऑन स्टील, डेल एल सेम रहेगा, ए उसका ए ही है, और वो कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वाई इसका क्या है 2 वाई है, या वाई, हाँ चलो रख लेता हूँ वाई स्टील, ठीक है, अपॉन एल स्टील कितना है 30 है ना, हाँ 30 सेंटीमीटर। ये और 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कट रहा, 2 से 8, 2 से 15, तो 8/15 डेल एल वाई एस, और सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ 10^-2। एफ स्टील इक्वेशन नंबर 2। तो बेटे ये दोनों फोर्स मिलकर के किसको बैलेंस करेंगे, 5000 kg को, के वेट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना डेल एल वाई ब्रास, डेल एल वाई ब्रास इंटू 10^-2 प्लस 8/15 डेल एल वाई स्टील इंटू 10^-2 बराबर 5000, और जी का क्या हो जाएगा 10, है ना, तो 40 हो जाएगा। यहाँ से मिला हमें इक्वेशन नंबर 3। ओके, कुछ दिक्कत है, अब हम क्या करें, अगर सिर्फ डेल एल की बात करूं तो हमने वहां से देखा डेल एल बराबर एफ एल बाय ए वाई, अच्छा इन दोनों में कंपैरिजन हो सकता है, एफ स्टील ऑन एफ ब्रास, हाँ इन दोनों में कंपैरिजन हो सकता है ना, अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं डिवाइड कर दूं तो बताओ एफ बी अपॉन एफ एस क्या हो जाएगा बेटे, डेल एल वाई ब्रास 10^-2 अपॉन 8/15 डेल एल वाई स्टील 10^-2, ये कटा डेल एल कटा, डेल एल कटा, तो क्या आएगा 15/8
y brass हमने y लिया था और y steel हमने 2y लिया था, तो 15/16 F/B/F steel, समझा क्या? ऐसा आ गया, बोलो FB/F steel = 15/16। हमें निकालना क्या चीज है? स्ट्रेस निकालना है ना, है ना, स्ट्रेस निकालना है। तो FB/F steel अब ये एग्जैक्टली कितना आएगा? हाँ, तो चलो यहां से ये मिल गया। और क्या कर सकते हैं अपन? कुछ तो और एक इक्वेशन चाहिए। हाँ, तो ये एक इक्वेशन हो गया बेटा, और एक इक्वेशन ऐसा हो जाएगा FB+FS = 5000 × this। नहीं, बोलो। तो यहां से हम, अगर मुझे एफ बी चाहिए तो एफ एस को हटाना पड़ेगा। एफ एस कितना हो जाएगा बेटा? 16/15 FB = 5000 यानी 50,000। एफ बी कॉमन हो जाएगा 1+16/15, देखना कुछ गड़बड़ करूं तो 50,000। तो बेटा ये हो गया एफ बी 15/16 = 31, 31/15 = 5 50,000। तो एफ बी आ गया आपके पास 15/31 × 50,000। ये एफ ब्रास आया, है ना, एफ ब्रास आया। तो स्ट्रेस ऑन ब्रास क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स ऑन ब्रास इतना आया, फोर्स ऑन ब्रास आया 15/31 × 50,000 अपॉन एरिया, उसका कितना है? 10 cm², 10 × 10⁻²⁴। ये और ये कट गया, कितना है बेटा आंसर? 31 × 5 × 3 और 4 = 7, 10⁻⁷, 15/75 × 30 = 31 × 10⁻⁷। क्या दिया है? सिग्मा ब्रास। आंसर भी नहीं देख सकते तुम लोग। सिग्मा ब्रास इज kg/cm² 120.9 kg/cm². कुछ गड़बड़ किया हमने। सिग्मा है स्ट्रेस बाय, क्या बोल रहे हो? सिग्मा स्टील एरिया, स्टील सिग्मा ब्रास एरिया ब्रास। कुछ तो गड़बड़ किया है हमने। 10⁶ kg/cm² 8/15
हियर एंड पे रिस्पॉन्स अप टू 0.5 आर 0.5 के आसपास कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है, सेकंड मेथड देखते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, पहले से हमने मान रखा है इसमें सिग्मा ब्रास, इसमें सिग्मा स्टील और इसमें सिग्मा ब्रास, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है बोलो, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स आएगा, ठीक है, इसमें जो फोर्स आएगा, मान लो मैं बोलता हूँ F1 कितना होगा, सिग्मा ब्रास इनटू इसका एरिया, ठीक है, कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसके में भी वही होगा, ये मान लो क्या करता है F2, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ब्रास इनटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें क्या आएगा F3, तो F3 बराबर क्या होगा, सिग्मा स्टील इनटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो टोटल फोर्सेस कितने हो गए बेटा, तीनों मिल जाएंगे, है ना, टोटल फोर्सेस इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ट्वेंटी इंटू सिग्मा बी प्लस 16 सिग्मा स्टील, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन हो गया, आ रही बात समझ में। ये कुल मिलाकर के किसको उठा रहे हैं, 5000 kg के वेट को, ठीक है, 5000 kg के वेट को, तो 20 सिग्मा बी प्लस 16 सिग्मा एस सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 5000, ठीक है, इसको एक इक्वेशन माना, ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा है, डेल एल इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एल बाय ए वाई, है ना, एफ एल बाय ए वाई। तो किसी भी, जैसे कि इसमें देखता हूँ कि इसमें कितना होगा, तो उसमें जो डेल एल होगा F1 इंटू उसका लेंथ L1 अपॉन उसका एरिया इंटू उसका Y1 ऐसा कर लेते हैं, या ब्रास का। दूसरे वाले का, स्टील वाले का, एफ स्टील, लेंथ स्टील, एरिया स्टील, वाई स्टील, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि फोर्स को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया, या फिर ये देखो फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या हो गया आपका, सिग्मा बी ही हो गया, है ना। तो सिग्मा बी इंटू लेंथ ऑफ ये क्या है, ब्रास 20 है, अपॉन वाई ऑफ ब्रास हमने क्या लिया था, वाई लिया था, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ स्टील अपॉन एरिया स्टील क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टील हो जाएगा, और लेंथ ऑफ स्टील कितना है, 30 है, और वाई ऑफ स्टील हमने क्या लिया था, 2y लिया था, तो वाई और वाई कैंसिल हो गया, जीरो और जीरो कैंसिल हो गया, तो सिग्मा ब्रास इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा स्टील
इंटू 3/4, ठीक है, ये हो गया अपना सेकेंड, है ना। हमको चाहिए क्या, यही चाहिए सिग्मा दोनों का, तो दो इक्वेशन और दो अननोन, ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ आ गया, एक इक्वेशन यहाँ आ गया, दो अननोन है, सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा, नहीं समझा, बोलो आया क्या समझ में। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मान लो आपको ब्रास का निकालना है तो स्टील को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, स्टील को रिप्लेस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा स्टील 4/3 सिग्मा बी हो जाएगा, तो 20 सिग्मा बी प्लस 16 सिग्मा एस, सिग्मा एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4/3 सिग्मा बी इक्वल टू क्या आया, 5000, ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, सिग्मा बी कॉमन आएगा, और क्या कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लूँ, हाँ 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 16/3 बचेगा, इक्वल्स टू 5000, है ना। ये क्या चीज़ था बेटा, केजी था, और उधर का सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो सिग्मा बी इंटू 4 ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 16 = 31/3, है ना, सही करा मैंने, 31/3 इक्वल्स टू 5000, ठीक है, तो सिग्मा बी बराबर क्या आया, 5000 इंटू 3/4 × 31 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये कितना हो गया बेटा, ऑलमोस्ट इसको मैं क्या कर दूं, 10 में ले आऊं, 10 से ले आऊं तो ये ऑलमोस्ट ये कट जाएगा, 500/4 क्या हो गया, 125 के अक्रॉस है, बोलो अप्रॉक्स में 125 है, ठीक है, समझ गए, अंडरस्टूड, सिग्मा बी निकल गया इसमें रख लो, सिग्मा एस आ जाएगा। ना फिर से समझाऊं क्या, फिर से बोलूं कि समझ आया, फिर से बोलूं, फिर से बोलता हूं, इसमें माना कि कितना स्ट्रेस है, सिग्मा बी, ये भी सेम है तो इसमें भी उतना ही आएगा, और ये सिग्मा स्टील, फोर्स क्या होता है, सिग्मा चूंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है तो फोर्स बराबर सिग्मा इंटू एरिया, मतलब स्ट्रेस इंटू एरिया, तो इसमें कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू उसका एरिया क्या था, 10, है ना, ये वाले में भी क्या है, 10 उतना हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका एरिया है 16 हो गया, टोटल कितने फोर्स ऊपर की तरफ लगेंगे तो इतने लगेंगे, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, उसका वजन 5000 केजी का, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस मच। और फिर हमने क्या देखा, क्या बोला कि इसमें जितना ये होगा लेंथ में कमी होगा उतना ही इसमें होना चाहिए, उतना ही इसमें आना चाहिए, तभी जा करके क्या रहेगा, वो बैलेंस रहेगा, है ना, एल एल सब में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज ऊपर नीचे हो जाएगा और वो गिर जाएगा, बैलेंस नहीं रह पाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों का डेल एल बराबर कर दिया, डेल एल क्या होता है, एफ एल अपॉन ए वाई, तो ब्रास का कंपेयर करेंगे तो ब्रास का स्टील का तो सब कुछ स्टील का, है ना, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब हमने कंपेयर करके देखा तो क्या देखा कि सिग्मा ब्रास और सिग्मा स्टील में क्या रिलेशन आ रहा है, ये वाला रिलेशन आ रहा है, तो हमें दो इक्वेशन मिल गया, दो अननोन है सिग्मा बी और सिग्मा एस, दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे और दोनों की वैल्यू लेके आएंगे। अंडरस्टूड, और बताओ 12.17 के बाद खत्म हुआ, आगे बढ़ाएं टॉपिक को,
चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नोट करके बहुत बताओ मुझे। आगे बढ़ूं, गिव द हेडिंग। हम क्या पढ़ रहे थे बेटे, टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कितने बताए थे मैंने, तीन, ठीक है। कौन कौन से, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इसमें से हमने यंग्स मॉड्यूलस फिनिश किया, अब क्या स्टार्ट करेंगे, बल्क मॉड्यूलस। सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मिटा डालू इसको, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अभी तक के डिस्कशन से आपको क्लियर है, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो वो क्या होता है, पर्टिकुलर स्ट्रेस और पर्टिकुलर स्ट्रेन का रेशियो होता है कि नहीं। तो जब मैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करता हूँ, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी से शो करेंगे इसको, तो इसको हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो। तो हाउ टू डिफाइन दिस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। समझा क्या, नोट डाउन करो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस to the volumetric strain. It is defined as the ratio of volumetric stress to the volumetric strain. That is करके b बराबर this much लिख लो, इतना लिख लो, volumetric stress upon volumetric strain. आगे बात समझ में, तो stress क्या होता है बेटा, again stress क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के केस में क्या बोला था, ये फोर्स जो है चारों तरफ से लगता है ना। और ऐसा ही कंडीशन होता है हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण, मतलब पानी के अंदर कोई बॉडी जाएगा तो उस पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है लिक्विड के द्वारा प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है, समझ में आया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस यानी प्रेशर। आगे बात समझ में, तो मैं इस हाइड्रोलिक स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर से शो कर सकता हूँ, पी बाय। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने क्या पढ़ा था, डेल वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाते हैं, क्यों माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि आप अगर प्रेशर को बढ़ाओगे, है ना, किसी चीज़ को प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, है ना। तो प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम घटेगा, तो डेल वी क्या आएगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेल वी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नहीं समझा। तो इसका अपोजिट इफेक्ट होता है इस पर, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उल्टा इफेक्ट शो करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नहीं समझा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, है ना, इसलिए ऐसा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। तो बल्क मॉडुलस जो आया वो आया पी अपॉन डेल वी बाय वी विथ नेगेटिव साइन, वेयर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट की
प्रेशर और वॉल्यूम में अपोजिट इफेक्ट होता है. ओके, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. आगे बढ़ूं, नेक्स्ट हेडिंग डालना. अब आप खुद सोचो कि अगर मैं किसी चीज पे प्रेशर लगाऊंगा, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, है ना बच्चे? वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो डेंसिटी पे कुछ असर पड़ेगा क्या? डेंसिटी पे कुछ असर पड़ेगा. क्यों पड़ेगा? क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम बदल जाएगा तो, समझा कि नहीं? आ रही बात समझ में? तो इसका असर जो है वो डेंसिटी पर भी पड़ेगा. हेडिंग डालना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी. तो बेटे, अगर मान लो कोई एक बॉडी इस तरीके की है, अभी इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट है, मास इसका एम है, ठीक है, ओरिजिनल डेंसिटी इसका भी रो नॉट है. तो डेंसिटी चूंकि हमने पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम अपॉन क्या हो जाएगा? वी नॉट हो जाएगा. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब हमने क्या किया, इस पर प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर हमने चेंज किया, है ना, इंक्रीज किया प्रेशर. तो प्रेशर इंक्रीज किया तो ये क्या होगा बेटा, चारों तरफ से दबेगा, है ना. तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम पहले इतना था, अब घट जाएगा, इतना हो गया, मान लो छोटा गोला बन गया, है ना बेटे. तो अब जो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम घटा, मान लो बोलता हूँ मैं डेल वी घट गया, मैंने कितना प्रेशर बढ़ाया था, डेल पी बढ़ाया था. डेल पी प्रेशर बढ़ाने से, जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, है ना. डेल पी प्रेशर बढ़ाने से डेल वी वॉल्यूम घट गया. तो अब कितना वॉल्यूम बचा बेटा, पहले वी था, डेल वी घट गया, तो अब कितना बचा, वी माइनस डेल वी बचा. नहीं समझा बेटा? क्या मास भी चेंज हुआ? मैं तो उसी चीज को कंप्रेस कर रहा हूं ना, मैं अपने आप को फैला दूं, सिकोड़ लूं, मेरा मास थोड़ी चेंज होगा. आ रही क्या बात समझ में? तो मास तो अभी भी वही है. तो अब मान लो डेंसिटी क्या हो गया, रो हो गया. तो अभी मास वही था, वॉल्यूम लेकिन अब क्या है, वी माइनस डेल वी है. आ गई बात समझ में? अब अभी आपने यहां से सीखा है कि बी बराबर क्या है बेटा, साइन हम पहले ही ले चुके हैं, घट रहा है, प्रेशर बढ़ाया हमने, घट रहे, ये तो घटना बढ़ना शो करता है. तो B बराबर क्या हो गया बेटा, P बाय डेल V बाय V, V ऊपर चला गया बेटा, है ना, क्लियर है ना. तो डेल V बराबर कितना आया देखो, तो V डेल P बाय B, नहीं बोलो बच्चे. तो M अपॉन V माइनस डेल V की जगह हम क्या ले सकते हैं, V डेल P बाय B. तो देखो M बाय V कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस डेल पी बाय बी, है ना. दिस इज क्या, न्यू डेंसिटी. और वी कौन सा था, ओरिजिनल वी कितना था, वी नॉट ना. तो ये वी नॉट, ये वी नॉट, ये वी नॉट, ये वी नॉट. तो बेटा एम अपॉन वी नॉट क्या था, ओरिजिनल डेंसिटी था. तो देखो क्या आया, रो नॉट अपॉन 1 माइनस डेल पी बाय बी. आया समझ में? सो द न्यू डेंसिटी इज रो नॉट अपॉन 1 माइनस डेल पी बाय बी. अब मुझे ये बताओ, जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. तो देखो यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये वाला पार्ट छोटा हो रहा है, ये वाला पार्ट छोटा हो रहा है, तो ये बड़ा हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा. आया समझ में? अच्छे से समझा? तो रो बराबर आया रो नॉट अपॉन 1 माइनस डेल पी बाय बी. यहां तक की बातें समझ में आ गई आपको? अच्छा, एक चीज मैं और कर सकता हूं, वहां तक नोट करने के बाद एक चीज मैं और कर सकता हूं.
अगर मैं वो जो 1 माइनस डेल पी बाय बी है उसको ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, रो बराबर रो नॉट 1 माइनस डेल पी बाय बी का पावर माइनस 1 लिख सकता हूं। अरे बोलो, अगर डेल पी बाय बी की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हुई, डेल पी बाय बी इज मच 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 लेस देन 1, तो मैं यहां क्या लगा सकता हूं बेटा, बाइनोमियल लगा सकता हूं। बताओ बाइनोमियल क्या कहता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1 प्लस डेल पी बाय बी। बताओ, तो मेरे पास रो के लिए प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए कितने फॉर्मूले आए, दो, एक ये और एक वो। एग्जैक्ट फॉर्मूला कौन सा हुआ, ये, वो क्या हुआ, अप्रोक्सीमेशन हुआ। वो सिर्फ तब लगाएंगे जब डेल पी क्या होगा, छोटा होगा, समझा क्या, जब थोड़ा बहुत होगा तो वो लगाएंगे, अदरवाइज हम बड़ा चेंज होगा तो फिर ये यूज करेंगे, जैसा हमने ग्रेविटी में देखा था। ओके, क्लियर है मेरी बात। तो यहां से भी क्या दिख रहा है बेटा, बढ़ना, और यहां से भी क्या शो हो रहा है, बढ़ना, है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, यहां भी दिख रहा है प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो दो फॉर्मूले हैं आपके पास, है ना, ये अप्रोक्सीमेशन वाला है, छोटे चेंजेस के लिए यूज करेंगे, बड़े चेंजेस के लिए वो यूज करेंगे, रो नॉट अपॉन 1 माइनस डेल पी बाय बी। इतनी कहानी समझ में आ गई, नोट कर लिया आपने, बोलो बच्चे, नोट कर लिया। अगर मैं परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी देखना चाहता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, देखो अगेन इस वाले इक्वेशन को देखो, तो रो बराबर रो नॉट 1 प्लस डेल पी बाय पी है, इसको इधर ले जाता हूँ, रो बाय रो नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, 1 प्लस डेल पी बाय बी, इसको इधर ले जाता हूँ, रो बाय रो नॉट माइनस 1 इक्वल्स टू डेल पी बाय बी हो जाएगा, रो माइनस रो नॉट बाय रो नॉट इक्वल्स टू डेल पी बाय बी। ये क्या है बेटा, चेंज इन डेंसिटी, डेल रो बाय ओरिजिनल रो, डेल पी बाय बी, डेल पी बाय बी, ये क्या हो गया बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, डेल रो बाय रो नॉट इंटू 100 बराबर डेल पी बाय बी इंटू 100, यही हो गया क्या परसेंटेज। तो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, दैट इज डेल पी बाय बी इंटू 100। तो देखो यहां से मुझे क्या होगा, सीधा सीधा परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी पता चल जाएगा, बस हमें क्या पता होना चाहिए, ये दो चीजें पता होनी चाहिए, समझा कि नहीं, अंडरस्टूड ना, बोलो भाई। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट हेडिंग डालना, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, हेडिंग डालना बेटे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ब्रैकेट में कैपिटल के,
ब्रैकेट में कैपिटल के, कंप्रेसिबिलिटी को किससे शो करेंगे, के से शो करेंगे। ठीक है, डाल दिया हेडिंग, लिखो। इट इज डिफाइंड एज दी रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज डिफाइंड एज दी रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज डिफाइंड एज दी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज डिफाइंड एज दी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी k बराबर क्या हो गया बेटा, 1 बाय बी। k बराबर 1 बाय बी। अब आप सोचो 1 अपॉन बी क्या लिखा था आपने, b लिखा था p अपॉन डेल v बाय v, है ना, p अपॉन डेल v बाय v। तो v यहाँ चला गया, डेल v ऊपर चला जाएगा, तो डेल v बाय p v ऐसा हो जाएगा। k बराबर 1 बाई बी बराबर डेल वी बाय पी वी, बोलो, या डेल पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ गया, ओके। जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होते हैं, रिजिड बॉडी आपको समझ आता है, हाँ, जिसका सेप चेंज नहीं होता, है ना, जिसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिजिड बॉडी। तो अगर कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसके शेप में हम थोड़ा भी चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके साइज में हम थोड़ा भी चेंज नहीं कर पाएंगे। जब हम साइज चेंज नहीं कर पाएंगे तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा बेटा, जीरो, है ना। तो अगर ये जीरो हो गया तो होल टर्म क्या हो गया बेटा, जीरो। तो उसका के क्या हो जाएगा, समझा, तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है, जीरो है, आप उसको दबा ही नहीं सकते। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या, कंप्रेस करने की एबिलिटी, आप उसको कंप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हुआ बेटा, जीरो हुआ। आ रही बात समझ में, अगर ये जीरो हुआ तो ये कितना हुआ, अरे ये जीरो हुआ तो ये कितना हुआ, ये भी जीरो। इडियट है क्या, दोनों रेसिप्रोकल है तो, मतलब कुछ भी सेंस नाम का चीज ही नहीं है क्या, मां कसम यार तुम लोग, वन गजब राडाइज कर दिया है, इन्फिनिटी होगा क्या करता फवाज है, समझा कि नहीं। ठीक है, तो जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी इन्फिनिटी होती है, समझा कि नहीं, अच्छे से समझा, तो ये नोट करके लिख लो इस चीज को, नोट करके लिख लो। तो आपके लिए हेडिंग डाल के छोड़ देना कल के लिए, याद दिलाना मुझे। बल्क मॉडुल हेडिंग डाल के छोड़ो, हेडिंग डालो कल के लिए, बल्क मॉडुल ऑफ इलास्टिसिटी फॉर गैसेस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर गैसेस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर गैसेस। आगे बात समझ में, इसको कल करेंगे, प्रॉब्लम करके आओगे, है ना, जितना बनेगा इसके ऊपर बना लेंगे, ओके, थैंक यू।